में ही खाना ना ही खाए। क्या हो रहा है, क्या तमाशा लग रखा है? तमाशा कौन कह रहा है तमाशा? तू का है, हम लोगन सरकार लोग हैं, ई खाने को हाथ तक नहीं लगाए। पुलिस स्टेशन है ये, होटल नहीं है, समझा? वो मिला है शांति से खा ले। ए, दो रे इसको। अगर होटल का खाना खाने का इतना ही शौक है और यहाँ से बाहर निकलना है ना, तो अपने मुखिया का नाम बता। दरोगा साहब, हम तो का कितनी बार कहे कि ई गैंग के मुखिया हम ही हैं, लेकिन नहीं, तो का नहीं समझ में आ रहा तो हम का करें? हाँ, और जहाँ तक यहाँ से बाहर जाने का सवाल रहा, तो आप खुद ही पहुँच जाए, हमें अपने हाथों से रिहा कर देंगे। लो, अब ही छूट गया। राम राम साहेब, ये है हमारे वकील, बैठिए। ये लीजिए सर, मिस्टर विष्णु के जमानत के पेपर्स। वरेकर, हो सर, विष्णु और उसके साथियों को रिहा कर दो। बाहर निकल, बाहर निकलो, चलो बाहर, चलो। अभी तो इसे ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इसके हर कदम पर नजर रहेगी मेरी। हे दरोगा साहब, वैसे तो हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमार बाबा के साथ जरा तमीज में। अभी तो सिर्फ तेरी बेल हुई है, रिहा नहीं हुआ, और अदालत में अभी तक मुकदमा चल रहा है तुझ पर। तुझे तो मैं गुनहगार साबित करके रहूंगा। एक सबूत मिल गया ना, इसी जगह लाके डालूंगा तुझे। चलिए बाबा, तनिक कुछ खा ही लेते, बहुत जोर भूख लगा है हमको। ए यादव, हमारा सामान ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते। हाय। ओके, so someone is angry. Okay. बहुत ज्यादा गुस्सा पूर्वी। एक्सक्यूज मी, मैं जानती हूँ आपको, है कौन आप? वो, well actually I'm sorry, मुझे लगा कि आप कोई और हैं। अच्छा, गलत लगा आपको, मैं ना यहाँ किसी और का इंतजार कर रही हूँ, और अगर वो कोई और यहाँ आ गए ना और उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओह, ओके, ओके। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी यहाँ किसी और से ही मिलने आया था, एंड यू नो मेरी जो और है ना उसकी भी यही प्रॉब्लम है। अब आप देखिए ना, मैं कब से यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो है कि आई नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं ना? राइट, लेकिन आप तो मेरे बाद आए ना। हाँ, तो इसका मतलब आपकी नजरें मुझ पे थी, राइट? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पहले से खड़ी। राइट। हाँ, आप मेरे पास आए,
तो इसका मतलब आप मेरे बाद आए होंगे ना? फेयर है ना। वैसे आपको पता है मिस पूर्वी वो क्या है ना कि आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मतलब ये कि देखिए अब आपकी और मेरी आज पहली मुलाकात है और आज ही मेरी एंगेजमेंट हो रही है। टू बैड राइट। तो हमारे मिलने का आपकी एंगेजमेंट से क्या कनेक्शन? ऑफ कोर्स है, बहुत ही गहरा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि देखिए अगर आप मुझसे कुछ समय पहले मिलती, यू नेवर नो, मेरी एंगेजमेंट शायद आपसे हो रही होती। अच्छा, हर दूसरी लड़की के साथ तुम ऐसे ही बात करते हो ना अर्जुन? नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। रिलैक्स पूरी रिलैक्स। बोल अगर हर दूसरी लड़की तुम्हारे जैसी हो तो शायद हाँ। वैसे अच्छा लगा ये जान के कि तुम मेरे बारे में काफी पोजेसिव हो। इट्स अ गुड थिंग। वैसे मैं तो सिर्फ तुमसे ही बात कर रहा था ना। अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। हे सॉरी। अच्छा ठीक है, मस्का मारना बंद करो। मुझे बताओ कि तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? पता है कितने काम है घर पे? एंगेजमेंट है आज हमारी। आज ही वेट कर रही होगी मेरा। लेट हो रहा है, जल्दी बताओ क्या काम है। तुम्हें लेट कब नहीं होता है? तुम जब मुझसे मिलने आती हो तुम्हें लेट होता है। मैंने सोचा था कि हम लोग दोनों बैठ के पाव भाजी खाएंगे और तुम होगी, तुम्हें घर जाना। तो जाओ, तुम आई क्यों थी? व्हाट यू कम? अच्छा सुनो ना, फटाफट से पाव भाजी खाएंगे और फिर जल्दी जल्दी घर जाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी घर जाए, जल्दी जल्दी खाएंगे। भैया आप दो प्लेट लाना प्लीज। वैसे पूर्वी, तुम्हें याद है जब हम यहाँ पिछली बार आए थे तो तुमने क्या कहा था? डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? अर्जुन किर्लोस्कर पाव भाजी। यू नो व्हाट पूर्वी, आई प्रॉमिस, जब मैं अर्जुन से दी अर्जुन किर्लोस्कर बन जाऊंगा ना, तब भी तुम्हारे साथ पाव भाजी खाने में यहीं पे आऊंगा। इट्स अ प्रॉमिस। अच्छा मेरे साथ? थैंक यू। वो तो मैं मजाक कर रही थी अर्जुन, मैं हमेशा जानती थी कि तुम मेरे साथ यहाँ हमेशा आओगे। वैसे मैं भी यहाँ तुम्हें कुछ प्रूफ करने नहीं आया। ये जगह स्पेशल है, आज का दिन स्पेशल है। तुम्हें बस तुमसे कुछ कहने आया था। क्या? यू नो व्हाट पूर्वी, आज का ये जो दिन है ना, हमें बहुत लोगों से लड़ने के बाद मिला है। एक ऐसा दिन जिस दिन बिना किसी के डर के मैं कह सकता हूं कि अब तुम मेरी हो। पूर्वी, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें पाया है और अब जब पा लिया है तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई प्रॉमिस कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ दोगी ना, हमेशा? It's because I love you. I love you too. मैं देखती हूँ। क्या हुआ तो यहाँ अचानक? सब घर पे ठीक है ना? हाँ अर्जुन, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है तो यहाँ? मैं अपना फर्ज निभाने आई। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इन दो परिवार में हमेशा अनबन चलती रहती है। हमारे आपस में बहुत सारे मतभेद हैं, फिर भी जब पूर्वी का अपहरण हुआ था तो यही परिवार हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जब मैं बीमार थी तब आप में से कुछ लोग हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए, मेरी हिम्मत भी बढ़ाई थी। देखिए मैं यहाँ कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, कोई सफाई देने नहीं आई हूँ, बस एक छोटी सी विनती करने आई। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मेरे दुख में शामिल हुए थे उसी तरह आप हमारी खुशी में भी शामिल हो। इसीलिए मैं
अपनी पोती पूर्वी की सगाई का निमंत्रण देने आई। मैं चाहती हूँ कि आज शाम को हमारे घर में पूर्वी और अर्जुन की सगाई होने जा रही है। आप सभी लोग वहां आए और उन दोनों को अपना आशीर्वाद दें। तो यही सोच रही है ना कि मैं ये बात यहां आकर क्यों कर रही हूं, लेकिन अर्जुन मुझे यही सही लगा। मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को सच पता चलना चाहिए। कौन सा सच? कौन सा सच? और हम क्यों जाने? और मुझे एक बात बताओ, आपको हमारे परिवार की इतनी चिंता क्यों? भाई क्या बोलती तू? तू चुप। तुमने तुम्हारा न्योता देने का काम किया ना, अभी मेरी एक बात सुनो। आपके फंक्शन में हमारे घर में से कोई भी नहीं आएगा। भाई प्लीज चुप। उसने यहां आकर हमें न्योता देने की हिम्मत दिखाई, तो मुझे भी मेरी हिम्मत दिखाने दो ना, ना कहने की। सुलोचना ताई, तुमने तुम्हारा सच बोला, मैंने मेरा सच बोल दिया, और तुम्हारी पोती की वजह से आज मेरी पोती दुखी है। आपको अपनी पोती की खुशियों की चिंता है, मुझे मेरी पोती की दुख की चिंता है। तुम्हारी पोती के वजह से आज मेरी पोती की जिंदगी में बुरा दौर चल रहा है। मेरे पोतियों की दुख की कीमत देकर मैं आपकी पोती को आशीर्वाद देने नहीं आऊंगी। हमारे घर में से कोई नहीं आएगा, मानव भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मानव की बेटी है। हमारे घर में से कोई आए ना आए, लेकिन तुम्हारी बेटी अर्चना जरूर आएगी, क्योंकि उसी ने तो रिश्ता जोड़ा है, उसकी मंजूरी है इस रिश्ते को, उसने आज तक उसको साथ दिया, वो हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा, समझे? आई, मैं जानती हूँ, मैंने आपसे ये कहा था कि अर्जुन ना ही ओवी के लिए अच्छा और ना ही पूर्वी के लिए, लेकिन आई आई मैं गलत थी। उस लड़के ने साबित किया है कि वो पूर्वी से बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि ये सच्चाई बहुत कड़वी है और इसे अपनाना मुश्किल है, लेकिन मानव कभी ना कभी इस सच्चाई के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। हम कब तक इस तरह? तूने तेरा सच बता दिया, मुझे तेरा एक सच पता है। तूने पिछले 18 सालों में अपने बच्चियों की कभी परवाह नहीं की, समझे ना? तू तुझे जाना है तू जा, हम में से कुछ कोई नहीं बोलेगा। अभी 2 हफ्ते बाद तलाक हो जाएगा, तू तेरे घर, बच्चे अपने घर, तेरे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जा, तुझे जो करना है वो कर। सुलोचना ताई, आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे बच्चे एक दूसरे से जुड़े हैं। कल तलाक के बाद बच्चे इधर आप उधर, क्या फायदा इस बनावटी रिश्तों का, ये बनावटी न्योतों का? आप अपने घर में सुख से रहिए, हमें हमारी जिंदगी में शांति दीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया, और मुझे भी। आज सुबह सुलोचना जी ने मुझे बताया कि मैं इस सगाई के लिए अपने लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें इनवाइट करने चला आया। मैं नहीं जानता था कि जो इनविटेशन मैं यहाँ देने आ रहा हूँ वो सुलोचना जी ऑलरेडी मेरे यहाँ आने से पहले ही मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मानव, तुम जानते हो अर्जुन तुम्हें अपना गुरु मानता है, यू नो दैट।
अगर तुम उसकी खुशी में शामिल होगे, उसे आशीर्वाद देने आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। आई नो तुम किस सिचुएशन में हो और तुम्हारी पोजीशन क्या है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। The choice is yours. मानव, मैं जानती हूं कि ये बात सुनकर आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन मानव आप भी समझ सकते हैं ना कि एक माँ के लिए अपनी बेटी का साखरपुड़ा क्या मायने रखता है। और आपको पता है, जैसे जैसे पूर्वी बड़ी हुई ना, उसे ये बात पता चल चुकी थी कि उसे अपने बाबा का प्यार कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। लेकिन मानव, जब आप इंडिया आए ना, उसके मन में एक उम्मीद जाग गई थी। उसे लग रहा था कि उसके बाबा उससे मिल गए, उसे वो सारी खुशियां मिल गई जो वो चाहती थी। को बाबा कहती है मानव, आज के दिन मैं उसकी वो हर एक इच्छा पूरी करना चाहूंगी जो वो चाहती है, सिर्फ एक चीज छोड़ के, मैं उसे उसके बाबा नहीं दे सकती। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं मानव पूर्वी के लिए, और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना तो समझती हूं ना आपको, कहीं गलत नहीं है मन। ओ भैया अनिकेत, कितनी देर से देख रहे हो तुम, तोरण ही लगाए जा रहे हो। बस दो मिनट। हाँ जी, क्या दो मिनट, बाकी सारे काम कब होंगे? हाँ, और मेहमानों को देने के लिए गिफ्ट्स लाए थे, वो कहाँ है? वो बाहर टेबल पे रखे। अरे बाहर रखने के? अरे आजी 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 आजी, वो अंदर बेडरूम में। एक बार कहते हो बाहर है, एक बार कहते हो अंदर है। रो क्यों रही है? बोल। आई आई, तूने मुझे कितना कुछ दिया है, पता नहीं मुझे तूने पता नहीं कहां से उठाया और इस घर में जगह दी। इस घर में ही नहीं आई तूने, तूने मुझे अपने दिल में जगह दी। एक ऐसी जिंदगी दी जिसके बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आई एक इतनी प्यारी आजी दी मुझे। कितना कुछ कर रही है ना तू मेरे लिए, मेरा साकर पूरा, और मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। आई मानव,
ये सब तो मैं तेरी गोद भराई में भी करूँ, तेरे बच्चों के नामकरण में भी करूंगी, और क्या पता कल को जब तेरे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भी करूँ।